अभी लाइन में लग गए हम लोग, हाया सोफिया मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है। ऐसे जाके ऐसे करके घूम के तब जाएंगे। यार कितनी पुरानी इमारत, 1400-1500 साल पुरानी, और कैसे स्ट्रक्चर अभी भी ऐसे मेंटेन है, बड़ी हैरानी होती है। सीधे कैसे बनाया होगा उस समय, कहा कि ये सब कहाँ से आए, तो इंडियन लग रहे हैं। इंडिया जी, इंडिया जी, मुंबई से आए आप दोनों लोग? मैं तो दिल्ली से, कराची नहीं, दिल्ली से आया हूँ। इंडियन है ना? इंडियन और क्या, दिल्ली से आया हूँ। तो घूमने आया आप? ये तो फ्री एंट्री है ना? हाँ, फ्री एंट्री होगी। घूमने आया आप? कब आया? बिजनेस में आए थे, वो हो गया। अच्छा, लेकिन मैं, मुझे लगा यहाँ इंडियन लोग बहुत कम दिखते हैं। मैं दूसरा दिन है, नहीं, नहीं, बहुत सारे हुए, मुझे कम दिखे, हो सकता है पाकिस्तान के बहुत लोग हैं, बहुत इंडियन भी बहुत। इधर मल्टी कल्चरल है, तो आप मतलब सब जगह से मिलेंगे, खाली इंडियन नहीं देखेंगे। तो आपको कैसा लगा यहाँ घूम के? मैं तो बहुत बार आया हूँ। अच्छा, बहुत बार इधर सब देख चुका हूँ, इसको दिखाने मेरा पहली बार है। अच्छा, तो मुझे तो यहाँ आके बड़ा यूरोपियन सा फील होता है, एकदम यूरोप की तरह लगता है। हाँ, वही है भाई, आधा यूरोप में है आधा एशिया में है, बट यूरोपियन टाइप से एकदम टच हो जाएगा। हाँ, बहुत फास्ट चल रही है लाइन ये। पैसा लेगा बोलता है, वीआईपी के लिए $20 लूँगा। वो कौन सा वीआईपी? अच्छा, हाँ वो कुछ है, वो गाइड टाइप का बोल रहा है वो। तो है, तो वहाँ पहुँच जाएगा। बीच में के लिए उन्होंने रोक दिया, अगर रोकेंगे नहीं तो फटाफट पहुँच जाएगा। लेकिन वो क्या है ना, अभी जब तक ये पूरा तो बोला तो पहले खड़ा रहता था लाइन में, अभी तो अंदर गया। अच्छा 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 अच्छा, लाइन उधर से जब हम आए तब उधर थी, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत लंबी लाइन है, तभी खड़े ली, खड़े हो गए होते तो। चलो देखते हैं, वो देख लिया ब्लू मॉल का? हाँ वो देख लिया। अच्छा, वो भी फ्री एंट्री है? उसमें भीड़ नहीं है, किसी का भी स्टेज मॉल नहीं है। और वो टॉप का भी पहले देखा? नहीं, वो अभी नहीं देखा, वो जाएंगे। उसका है कितना डॉलर है? आई थिंक $30 $30 उधर विजिटिंग चार्ज। हाँ, वो थोड़ा लंबा है, वो 4 hours 3 hours का है। हाँ, पूरा टूर है ना, म्यूजियम है एक तरीके से, म्यूजियम म्यूजियम है सुल्तान का, तो अलग है, एक खाली अंदर जाने का होगा। तुम टॉप कभी गए हो? हाँ हाँ, अंदर वो एंट्री में ही सब इंक्लूडेड रहता है। अच्छा अच्छा, तो सुल्तान का है सब, ऑटोमन सुल्तान का। हाँ, उनका पैलेस है, वहाँ भी जाएंगे तोप कपी। चलिए यार, दो इंडियन मिल गए सरदार जी। कहीं भी दूर देश में मिलो तो लगता है ना, और हम लोग की पहचान भी मिल पहचान लेते हैं ना। बाकी है वो आप नहीं पता चल पाओगे कि श्रीलंकन है कि इंडियन है, बांग्लादेशी है कि कौन है। कहाँ से? दिल्ली से कहाँ से? मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। ये क्या बोलते हैं आयुष, इसको नाम भूल गया मैं, चेस्टनट। चेस्टनट को बताइए। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? ये एक तरफ ब्लू मॉस्क है, वो तो है, लेकिन लग कैसा रहा? दूसरी तरफ देखिए, यूरोपियन कल्चर और इस्लामिक कल्चर का संगम है। और कमाल की बात यह है कि एंशिएंट का आज के समय से मिलन है, और लोग काफ़ी अच्छे हैं, कंट्री काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा है, और फैमिली के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है क्या, उसे बार बार लोग भूल जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो रहा है, तो आपको बोलना बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, और लंबा एक्सपीरियंस है यूरोप लगातार घूमते रहने। नहीं, यूरोप में तो हम पहली बार आए हैं, और सबसे कमाल की बात है कि ये जो मॉस्क है इसका इस्लामिक कल्चर भी है और यूरोपियन कल्चर भी है। हाँ, बाद में एड ऑन हुआ है तो। हाँ, दो धर्मों का सत्ता परिवर्तन के हिसाब से कई बार जुड़ाव हो जाना, फिर कई बार बिलगाव हो जाना, फिर बीच में एक ऐसा आदमी आया जिसको लगा कि नहीं भैया, इसको संग्रहालय कर दीजिए, म्यूजियम बना दीजिए। तो दैट्स वाई जो लोग यहाँ आते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आना चाहते हैं। सही बात। तो और ये
हाँ, हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो कमाल अतातुर्क का जिक्र बहुत होता है फारस में, उनका एक सेकुलर लीडर के तौर पर हुआ कि कैसे कितने तरह के रिफॉर्म किए कमाल अतातुर्क तुर्की की नई पहचान के लिए, और जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उससे थोड़ा अलग करके। तो वो सब भी यहाँ जब लोगों से बात होती है, यहाँ के कल्चर को देखते हैं, उसका असर साफ साफ दिखता है। जो 1928-26 जो भी है, तो लगभग 90 साल हो गए, 95 साल। अब हम लोग अंदर जाने वाले, बड़ी लंबी लाइन है, और ब्लू मॉस्क में लाइन नहीं थी। एक दिलचस्प बात है, वहाँ कम भीड़ है, यहाँ ज़्यादा है, चूँकि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बार बार वही जैसा कि कहा चेंज हुआ है ना, इसलिए लोग यहाँ जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं भाई 1400 साल पुरानी कोई इमारत स्ट्रक्चर है। जब आप आया सोफिया में दाखिल होते हैं तो ये सामने एंट्रेंस के पास ही तीन ऐसे बोर्ड लगे हैं और इसमें लिखा है हिस्ट्री यहाँ के बारे में। तो इसमें पहला पैराग्राफ है, उसी में लिखा है कि 29 मई 1453 को सुल्तान महमद ने अपने सिपाहियों के साथ इस्तांबुल को कब्जा किया था, इस्तांबुल को जीता था, और कॉन्स्टेंटिनोपल जो उससे पहले इसका नाम था, चूँकि रोमन एम्पायर था, उसको शिकस्त दी और उसके बाद जीता, और तब इसका नाम आया सोफिया का नाम, आया सोफिया जो चर्च था उसको मस्जिद में, ग्रेट मॉस्क ऑफ आया सोफिया मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कहानी कही जाती है कि जब सुल्तान महमद ने जीता इस्तांबुल को, कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो वो सीधा यहाँ पहुँचा था और इस बिल्डिंग के भीतर आके मंत्रमुग्ध सा इस बिल्डिंग को देखता रहा था, और उसके बाद यहाँ से निकल कर फिर शहर का दौरा किया अपने सिपाहियों के साथ, और जीत के जश्न जैसा माहौल था क्योंकि ऐतिहासिक दिन था वो 29 मई 1453, जब रोमन एम्पायर का जो ये किला था, जो भी कहें, उस पर कब्जा हुआ ऑटोमन का, और वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य सदियों तक इस्तांबुल को सेंटर बनाकर आसपास के कई मुल्कों पर राज करता रहा। उसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन इसके अंदर की जब तस्वीर आप देखेंगे तो आज भी हैरान होंगे, क्या इमारत है और क्या अंदर नक्काशी है, किस तरह से बनाया गया था 1400-1500 साल पहले। आज भी अंदर जाने पर पता चलता है, यहाँ आते हैं, यहाँ लोग शूज खोलते हैं और उसके बाद फिर कतार में लग कर और फिर अंदर दाखिल होते हैं, और उसके बाद हैरान करने वाली तस्वीर अंदर जाते ही आपको दिखेगी। आया सोफिया का जिक्र इसलिए बार बार होता है क्योंकि इस इमारत का स्वरूप बहुत कुछ नहीं बदला गया, लेकिन इमारत की धार्मिक अहमियत बदली गई अलग अलग समय में। आज की तारीख में 2 साल से ये मस्जिद मॉस्क है। अब हम अंदर चल रहे हैं। गजब, पता नहीं कितनी फीट ऊंचाई है छत की, गोलाकार छत है, चारों तरफ झरोखे बने हैं, ऊपर बालकनी है,
टेरेस नुमा जो भी कहें। दुनिया भर में 1400 साल पुरानी बहुत कम इमारत होगी जो इस तरह से सैकड़ों फिट के दायरे में फैली इमारत आज भी इस तरह से मजबूती से टिकी है। 1400 साल पुरानी इमारत, इमारतें हैं आज उससे पहले की भी 2000-2500 की, लेकिन वो ढही हुई खंडहर के रूप में है या सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करके किसी ढंग से देखने लायक बनाकर रखा गया, लेकिन ये फुली फंक्शनल है और एकदम मजबूत और मजबूती के साथ टिकी हुई इमारत है जो चर्च था कभी, अब मस्जिद है। नब्बे साल तक ये म्यूजियम भी रहा कमाल अतातुर्क के राज में, चर्च को मस्जिद बनाया गया और उसके बाद के वर्षों में रहा, लेकिन 200 साल पहले फिर से एक बार मस्जिद बनी है। जो भी आता है हतप्रभ होकर देखता रहता है और हर रोज़ यहाँ हज़ारों लोग इस आया सोफिया मस्जिद को देखने आते हैं, निहारते हैं इस इमारत को, लाइटिंग को, दीवार पर लिखी हुई नक्काशी की हुई जो चीज़ें हैं वो, जिस ढंग से स्ट्रक्चर बनाया गया, हर चीज़ देखने लायक है जाहिर है, कहाँ कहाँ से पत्थर लाए गए होंगे और ये ज़बरदस्त मजबूत इमारत बनी हुई 1400 साल पहले। ये आ गए हम लोग आया सोफिया, बार बार कंफ्यूज करता हूँ नाम बोलने में, क्योंकि यहाँ मुझे किसी ने बताया इसका नाम आया सोफिया बोलिए, हगिया सोफिया नहीं। हाँ बॉबी, इसको क्या बताया, आया सोफिया ना, आया सोफिया, और ऐसे बोलते हैं हगिया सोफिया, हगिया सोफिया। अब ये बोलने के लिए आ रहे हैं कैमरे पे, ये हमारे दोनों लड़के हैं भांजे और भतीजे। क्या जगह है यार,